नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु चौहान स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल इंदु हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब अपना और अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाथों पैरों पे गंदी जमी मैल को साफ करने का तरीका। हाथों पैरों में थोड़ा बहुत कालापन है या गंदगी जमी हुई है, मैल जमा हुआ है, सनटैन हो रखा है, तो उसके लिए जो मैं बताऊँगी आपको वो करना होगा। उससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे कि आप अपने चेहरे का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हो, सभी अपने चेहरे पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन अपने हाथों पैरों पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जितना ध्यान आप अपने चेहरे का रखते हैं उतना ही अपने हाथों पैरों का भी रखा करो, उनको भी साफ़ किया करो। और आज मैं आप लोगों को जो तरीका बता रही हूँ वो आपके हाथों पैरों को एकदम से साफ़ कर देगा। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर से ट्राई करना। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें चाहिए होगा नींबू, दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी टमाटर, और तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी इनो। तो आपको एक बाउल लेना है, उसमें एक पूरे नींबू का रस निकाल लेना है। सारा जो उसका नींबू का रस है वो एकदम सारा निचोड़ लेना है अच्छे से। और नींबू का रस सारा स्क्यूज आउट करने के बाद आपने करना है एक टमाटर का भी सारा रस स्क्यूज आउट करना है। उसी लेमन वाले जूस में टमाटर का जूस भी निकालना है, एक पूरे टमाटर का जूस आपको निकालना है। और फिर आपको डालना है इसमें इनो। इनो के दो पैकेट आपको इसमें डालने हैं। इनो के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, दो पैकेट आपको इनो के डालने हैं। और आपको इनो डालना है लेकिन आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें इनो है इसलिए आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको फेस पर भी अप्लाई करना है तो आप नींबू के रस को और टमाटर के रस को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर इनो डाल लोगे तो आप उसको अपने फेस पर अप्लाई मत करना। ये सिर्फ आपके हाथों पैरों की मैल को साफ़ करने के लिए है, हाथों पैरों की सफाई के लिए है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, तीनों चीज़ों को एक जगह अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने हाथों पैरों पर ऐसे मसाज करनी है, टाइट टाइट रगड़ कर आपको मसाज करनी है। ये नहीं कि हल्के हल्के करोगे, अच्छे से टाइट रगड़ कर मसाज करनी है, जिससे कि आपकी जमी हुई मैल जो है वो रिमूव हो जाए। अपने हाथों को पैरों को अच्छे से साफ करना है और उसको मसाज करने के बाद आधा घंटा के लिए अप्लाई करके छोड़ दे, लगाकर छोड़ दीजिए आप आधा घंटे के लिए। नहाने से पहले आप इसको कर लीजिए और फिर आधा घंटा बाद आप नहाने जा सकते हो। तो ऐसे ही आपको 3-4 दिन लगातार करना है और उसके बाद आपको ये हफ्ते में एक बार करना है, महीने में 4 बार करना है। अगर आप रेगुलर ऐसे करते रहोगे तो देखना, देखते ही देखते धीरे धीरे आपके हाथ पैर जो है आपके चेहरे से भी गोरे हो जाएंगे और काफ़ी सुंदर दिखेंगे। दोस्तों, आपके हाथ पैर भी आपके शरीर का हिस्सा है, ये भी खूबसूरत दिखने ज़रूरी है। सिर्फ चेहरा गोरा लगे, हाथ पैर काले लगे, ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पर आप ध्यान दो। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपनी स्किल का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।